फ्रेंड्स, ये एलजी का इन्वर्टर फ्रिज है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ठंडा नहीं कर रहा है, कम ठंडा कर रहा है। तो चलिए इसको चेक करते हैं और जानते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऊपर जो कंप्रेसर के ऊपर जो एक ढक्कन लगा होता है, ढक्कन टाइप का लगा होता है जिसमें पानी गिरता है, डिब्बा टाइप का लगा होता है, उसको हम खोल लेंगे। उसमें दो पेंच होते हैं, उसको खोल देंगे। और देखिए, इसका ये कंप्रेसर है और इधर ये जो है पीसीबी है। पीसीबी को हम बाहर निकाल लेंगे। इसके जो तीन स्क्रू इसमें होते हैं, इन तीनों स्क्रू को खोलने के बाद हमारी जो पीसीबी है, पीसीबी जो बॉक्स है, वो बाहर आ जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देंगे इसमें कैसे इन्वर्टर फ्रिज को चेक करते हैं और कैसे इसको फाइंड करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों इसमें बर्फ़ नहीं जम रही है या इसमें ठंडा क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए, हमने पेच इसके पीसी बॉक्स को खोल दिए हैं और इसका पीसी बॉक्स बाहर निकाल लिया है। दोस्तों, पीसी बॉक्स निकालने से पहले थोड़ा ध्यान रखें आप, क्योंकि कैपिलरी इसके ऊपर होती है, उसको साइड कर दें। अब देखिए, इसमें दो पेच इस बॉक्स में होते हैं, इन दोनों पेचों को हम खोल देंगे। दोनों पेच खोलने के बाद हमारी जो पीसीबी है वो बिल्कुल सामने दिखने लगेगी। तो दोनों पेच इसके खोल दें आप, भी थोड़ा टाइट लगे होते हैं पेच, जो पीसीबी बॉक्स है। दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे कि पीसीबी को कैसे चेक करते हैं, इसका जो ओवरलोड होता है उसको कैसे चेक करते हैं, कंप्रेसर को कैसे चेक करते हैं, पूरा आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, समझाएंगे। आप वीडियो में बने रहें। देखिए, हमने इसके पेंच खोल दिए हैं और देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये पीसीबी है इसकी, और पीसीबी बिल्कुल साफ़ है एकदम, कहीं इसमें कोई पार्ट्स जला हुआ नहीं दिख रहा है। उसके बावजूद भी ये कम ठंडा कर रहा है। देखिए, सबसे पहले हम पीसीबी का जो इसमें एक फ्यूज लगा होता है उसको हमने क्लैम्पमीटर से चेक किया, कंटिन्यूटी मोटर लगाने के बाद, तो फ्यूज भी उसका सही है। अब हम देखिए कंप्रेसर का जो UBW का बॉक्स होता है, जहाँ पे हमारा एक ओवरलोड भी लगा होता है, उसको हम खोल लेते हैं। इसका बॉक्स खोलने के बाद ये देखिए आप, ये इसका ओवरलोड है और हम इस UBW की पिन बाहर निकाल देते हैं, उसका जैक निकाल लेते हैं। जैक निकालने के बाद हम कंप्रेसर भी चेक करेंगे और फ्रेंड्स ओवरलोड भी चेक करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे किस तरह से ओवरलोड की टेस्टिंग होती है, किस तरह से इन्वर्टर फ्रिज का कंप्रेसर चेक करते हैं। देखिए, इसकी पाइप को थोड़ा सा आप घिस लें ताकि, क्योंकि हमें इसका कंप्रेसर का ग्राउंड भी चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें इसका जो ओवरलोड है उसको चेक करना है कि ओवरलोड हमारा ख़राब तो नहीं है। इसके दो थिंबल लगे होते हैं, दोनों थिंबल को आप बाहर निकाल दें और अपने मीटर को, क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर लगा लें और दोनों रोप आप लगाएंगे। देखिए, ये हमारा ओवरलोड बिल्कुल सही है, ओवरलोड बोल रहा है, भी बोल रही है। अब देखिए, कंप्रेसर को चेक करने का तरीका, देखिए आप हर पिन पे, तीन जो पिनों होती है उस पर आप लगा के देखें, 21 21, तीनों जगह इसकी कंटिन्यूटी शो कर रहा है, तीनों पिनों पे कंटिन्यूटी 21 21 शो कर रहा है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो हमारा कंप्रेसर है वो भी ओके है, हमारा जो ओवरलोड है। देखिए, अब इसका ग्राउंड चेक करते हैं। ग्राउंड हमने चेक किया, ग्राउंड भी नहीं है, यानी कंप्रेसर अर्थ भी नहीं है। दोस्तों, इस कंप्रेसर की बाइंडिंग सही है, जो मीटर के अकॉर्डिंग बता रहा है कि 21 इसकी कंटिन्यूटी शो कर रहा है, तीनों पॉइंट पे 21 21। इसका मतलब ये है कि इसकी बाइंडिंग सही है, लेकिन इसकी बाइंडिंग सही होने के बाद भी दोस्तों इसका जो पिस्टन है कई बार वो जाम हो जाता है, तब भी कंप्रेसर हमारा फाल्टी होता है। देखिए, इसमें अर्थ हम चेक कर रहे हैं, ग्राउंड इसका चेक कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड भी नहीं है। अब दोस्तों, हम इसकी पीसीबी को बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। पीसीबी में तो प्रॉब्लम नहीं है। इसकी पीसीबी निकालने के लिए दोस्तों, इसमें पीछे आप प्लास की सहायता से इसके लॉक को जब दबाएंगे, चार लॉक होते हैं इसमें, प्लास्टिक के लॉक लगे होते हैं, उनको आप जब दबाएंगे तो आप पीसीबी बाहर निकल आएगी। इसकी पीसीबी बाहर निकालने के बाद हम आपको बताएंगे कि पीसीबी की टेस्टिंग किस तरह से होती है। देखिए, ये पीसीबी हमने बाहर निकाल ली है। देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारी मेन जैक है जिस पे हम 220 वोल्टेज जाते हैं, पीछे हम आपको दिखाते हैं, इस पे हमें पहले वोल्टेज चेक करने हैं। फ्रिज का प्लग लगाने के बाद फ्रिज का ये जैक हम लगा देते हैं, UBW का जैक लगा देते हैं कंप्रेसर में, ओवरलोड भी लगाएंगे और इसका जैक भी लगा देंगे UBW का। उसके बाद प्लग लगाएंगे, प्लग लगाने के बाद पीसीबी पे कहाँ कहाँ हम वोल्टेज चेक करें ये सारी जानकारी आपको देंगे। ये देखिए, हम इसका ओवरलोड भी लगा देते हैं,
दो पिने होती हैं इसकी, दो थिम्बल लगे होते हैं, दोनों थिम्बल आप ओवरलोड में लगा दें। और फिर देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं, देखिए हमने फ्रिज का प्लग लगा दिया, ऑन कर दिया है। देखो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें 220 या जितने भी वोल्टेज वहाँ पर आ रहे हैं उसको आप चेक करें कि यहाँ पे जो हमारा मेन जो जैक होता है न्यूट्रल और फेस का, और दूसरे वोल्टेज हमें चेक करने हैं दोस्तों थर्मोस्टेट पे। देखिए थर्मोस्टेट पे भी हमारे वोल्टेज सही आ रहे हैं, और जो हमारा न्यूट्रल फेस है वहाँ पे भी वोल्टेज सही आ रहे हैं। देखिए 181 वोल्टेज आ रहे हैं दोनों जगह पे, जहाँ पे न्यूट्रल फेस लगा है वहाँ भी 181 आ रहे हैं, और हमारा जो थर्मोस्टेट है वहाँ भी 181 वोल्टेज आ रहे हैं। अब हम देखिए जो मेन वोल्टेज है उसको चेक कर लेते हैं। देखिए हमने इस क्लाइमीटर की जो दोनों रोप हैं उसमें लगा दिए, देखिए यहाँ भी 181 वोल्टेज लगभग शो कर रहा है, 181-182, यानी कि जो हमारी वोल्टेज आ रही है वो पीसीबी में दोनों जगह सही वोल्टेज आ रही है। तो देखिए अब हमारा कुछ देर हमने इसको लगाया और देखिए कंप्रेसर हमारा इसका स्टार्ट हो चुका है। आप देखिए क्लाइमीटर में ये एम्पियर भी शो कर रहा है, कंप्रेसर जो है स्टार्ट हो गया है। अब हम कुछ देर इसको चलने देते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें कूलिंग इसमें आ रही है या नहीं आ रही है। कुछ देर इंतज़ार करते हैं और देखते हैं, क्योंकि कंप्रेसर हमारा रनिंग में, फ्रेंड्स कंप्रेसर रनिंग में आ गया है, लेकिन ये ट्रिप कर गया है, कंप्रेसर ट्रिप कर गया है। इसका मतलब ये है कि इसकी पीसीबी में फॉल्ट है, कुछ देर चलता है और बंद हो जाता है। दोस्तों इसकी पीसीबी फॉल्टेड है।